हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन समरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पार्ट 2 फॉर आईआईटी जेम केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम यादराम धानका है, मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया है फ्रॉम आईआईसी बेंगलोर और मैं आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ फॉर आईआईटी जेम केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल और लिगेंड्स के बॉन्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमने तीन थ्योरीज देखी थी। पहली थी वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी थी सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और तीसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वीबीटी हमने अच्छे से कवर कर ली थी, आज हम कवर करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बाद हम देखेंगे सीएफएसई क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं सीएफटी में 1 और 2, एक्सपेक्टेड मार्क्स होते हैं 2 to 4, डिफिकल्टी लेवल होता है इजी टू मॉडरेट। सीएफएसई में क्या होता है, एक या दो न्यूमेरिकल्स आते हैं हर साल, इसमें भी एक्सपेक्टेड मार्क्स 2 to 4 और इसका भी डिफिकल्टी लेवल क्या है, इजी टू मॉडरेट। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इट द मेटल एंड द लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस एंड द मेटल बींग मोस्टली पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज एंड द लिगेंड बींग नेगेटिवली पॉइंट चार्ज। सो अकॉर्डिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेटल और जो लिगेंड है दीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज है। और हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन है ना। तो ये कहता है कि द इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस अट्रैक्शन को हम कह रहे हैं प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रो स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस अट्रैक्ट्स नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड और द नेगेटिव डाइपोल ऑफ द लिगेंड। सपोज एक स्फेरिकल फील्ड है जिसमें मेटल Mn प्लस है, ये सिक्स लिगेंड जो कि नेगेटिव डाइपोल या फिर नेगेटिवली चार्ज है उनको अट्रैक्शन हो रहा है मेटल और लिगेंड में। ठीक है, तो मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, हमें पता है ये जो डी ऑर्बिटल्स स्फेरिकल फील्ड में यानी आइसोलेटेड मेटल आयन में ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजनरेट मीन्स सारे ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है। अब डी ऑर्बिटल्स 5 टाइप्स के होते हैं, कैसे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं यानी सारे ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होती है। अब देखिए डी ऑर्बिटल्स की हम शेप देख लेते हैं, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स में इनकी जो लोब्स होती है ये होती है बिटवीन द एक्सेस। देखो कैसे होती है बिटवीन द एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है, ये जो लोब है इन दोनों के बीच में है यानी ये बिटवीन द एक्सेस है। सिमिलरली जेड और वाई के बीच में ये जो लोब है ये बिटवीन द एक्सेस है, इसलिए ये डी वाई जेड ऑर्बिटल हो गया एंड जेड और एक्स के बीच में ये लोब्स है तो ये डी जेड एक्स ऑर्बिटल हो गया। वेयर एज इन केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ये जो लोब्स होती है ये होती है अलोंग द एक्सेस। कैसे होती है, अलोंग द एक्सेस। देखो ये वाई एक्सेस है और ये x एक्सिस है तो ये जो लोब्स है ये अलोंग द एक्सिस है ऑन द एक्सिस, तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ये जो लोब है ये अलोंग द जेड एक्सिस है तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमें पता है स्फेरिकल फील्ड में क्या होता है कि सारे स्फेरिकल फील्ड में क्या होता है कि सारे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है यानी वो डीजनरेट होते हैं, बट जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। वो किस तरह से स्प्लिटिंग होती है वो देखते हैं। इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द सिक्स लिगेंड्स अप्रोच द मेटल कैटायन, सिक्स के सिक्स लिगेंड्स जो अप्रोच कर रहे हैं मेटल कैटायन को वो अलोंग द एक्सिस
अप्रोच कर रहे हैं। अभी हमने देखा था अलोंग द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, दो ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, देयर फोर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड और स्क्वायर ऑर्बिटल्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड देन दी डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स। अब देखिए समझते हैं इसको। सपोज ये मेटल कटायन है, इसमें सिक्स लिगेंड्स मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये जो सिक्स लिगेंड्स है ये अलोंग डी एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं मेटल को। अब मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स है, अब डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो जो अलोंग डी एक्सिस वाले ऑर्बिटल है वो स्ट्रॉन्गली रिपेल होंगे एज कम्पेयर टू बिटवीन डी एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स। तो देखिए एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो स्ट्रॉन्गली रिपेल होंगे। ठीक है, तो जब लिगेंड्स अप्रोच नहीं कर रहे थे तो सारे डी ऑर्बिटल्स क्या थे, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में थे। ठीक है, सबकी एनर्जी क्या थी, सेम थी, एवरेज एनर्जी थी। बट जैसे ही लिगेंड्स ने अप्रोच किया तो क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की ऑर्बिटल्स की क्या हो गई, एनर्जी हाई हो गई। इस सेट को हमने कहा इजी ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही जो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल की एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई, वो कम हो गई। तो जितनी ऑर्बिटल्स ये डिस्टेबलाइज हुए हैं उतने ही ये ऑर्बिटल्स स्टेबलाइज हुए हैं। इन तीन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हमने कहा टी टू जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो टी टू जी और ई जी ऑर्बिटल्स, ई जी में आ गए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और टी टू जी में आ गए डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल। अब देखिए ये जो है ये बेरी सेंटर है। ठीक है, एवरेज एनर्जी। अब जो टी टू जी ऑर्बिटल्स है ये इनकी एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी एनर्जी है, ये माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। अब डेल्टा ओ क्या है, डेल्टा ओ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इट मीन्स द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ई जी एंड टी टू जी ऑर्बिटल्स। तो ये टी टू जी ऑर्बिटल्स हुए हैं ये स्टेबलाइज हुए हैं, स्टेबलाइज हुए तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, माइनस 0.4 डेल्टा ओ। ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हुई है। और जो ई जी ऑर्बिटल है ये डिस्टेबलाइज हुए हैं क्योंकि रिपल्शन हुआ है, इनकी हायर एनर्जी में है, ये क्या है, हायर इन एनर्जी, इनकी है हायर एनर्जी। ठीक है, अभी कितनी हायर एनर्जी में गए हैं, ये गए प्लस 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, डेल्टा ओ इज द डिफरेंस बिटवीन ईजी एंड टी टू जी एनर्जी। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, चार ही लिगेंड होते हैं, फोर लिगेंड्स यानी फोर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द फोर लिगेंड्स अप्रोच द मेटल कैटायन फ्रॉम बिटवीन द एक्सेस। तो चार लिगेंड है वो मेटल कैटायन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, बिटवीन द एक्सेस। अब देखिए बिटवीन द एक्सेस कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने देखा था अभी, वो होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल। तो जैसे ही फोर लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल कैटायन को तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल में क्या होगा, रिपल्शन होगा। देयरफॉर इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इनवर्टेड। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है ऑक्टाहेड्रल के केस से एंड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, अब देखिए ये जो है एवरेज एनर्जी है सारे डी ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। अब जैसे ही चार लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल कैटायन को फ्रॉम बिटवीन द एक्सेस, बिटवीन द एक्सेस कौन से ऑर्बिटल मिले हमें, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल में और लिगेंड में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इन तीनों की एनर्जी हाई एनर्जी हो जाएगी। इस सेट को हमने कहा टी टू ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे जी नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे जो जी था वो सिग्निफिकेंट कर रहा था जी रेड को, जी रेड होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री डी ऑर्बिटल्स में। तो ऑक्टाहेड्रल में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है बट टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे जी को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये जी रेड यहाँ पे यूज नहीं होगा ये वर्ड। अब जैसे ही ये जो टी टू सेट ऑफ ऑर्बिटल है ये डिस्टेबलाइज हुआ है उतना ही ई ऑर्बिटल सेट ये स्टेबलाइज होगा। ई ऑर्बिटल में कौन 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 से ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ये वही बेरी सेंटर है। डेल्टा टी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे माइनस 0.6 डेल्टा टी, ये होगा प्लस 0.4 डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टी टू एंड ई ऑर्बिटल्स। अब ये जो ई ऑर्बिटल है ये स्टेबलाइज हुए हैं, स्टेबलाइज हुए तो कितने स्टेबलाइज हुए हैं, ये हुए हैं माइनस 0.6 डेल्टा टी।
रिलेटिव टू डी बेरी सेंटर। और जो टी2 ऑर्बिटल्स हैं ये डिस्टेबलाइज हुए हैं। डिस्टेबलाइज मीन्स हायर इन एनर्जी, यानी इनकी एनर्जी हाई हो गई है, एनर्जी गेन की इन्होंने। इन्होंने कितनी एनर्जी गेन की है? प्लस 0.4 डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए नोट। सो फॉर द सेम मेटल, सेम लिगेंड्स, सेम चार्ज ऑन मेटल में क्या होगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। तो डेल्टा टी और डेल्टा ओ में डेल्टा टी क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और डेल्टा ओ क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो टी है ये टेट्राहेड्रल को डिनोट करता है, और यहाँ पे ओ है ये ऑक्टाहेड्रल को डिनोट करता है। सो डेल्टा टी में और डेल्टा ओ में क्या रिलेशन है, और ये रिलेशन कब अप्लाई होगा? ये रिलेशन कब तब वैलिड होगा जब सेम मेटल हो, सेम लिगेंड हो और सेम चार्ज ऑन मेटल हो। ठीक है, तो ये रिलेशन है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। अब देखो एग्जांपल। तो कोबोल्ट है, दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सेम मेटल है, हाँ जी कोबोल्ट सेम मेटल है, सेम लिगेंड है क्लोरीन, क्लोरीन सेम लिगेंड है, सेम चार्ज ऑन मेटल, हाँ कोबोल्ट प्लस टू में है, यहाँ पे भी कोबोल्ट प्लस टू में है। तो इन केसेस में डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ वैलिड होगा। तो हमें ये तीन कंडीशन याद रखनी है, सेम मेटल, सेम लिगेंड एंड सेम चार्ज ऑन मेटल, तब ये वैलिड होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए जो हम ये बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, डेल्टा ई, डेल्टा की, ये एक्चुअली डिपेंड किस पे करती है? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। तो सबसे पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कैटायन। सो द हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कैटायन द ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। तो ये कह रहा है कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन, यानी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल कैटायन की, उतना ही तो अट्रैक्ट करेगा लिगेंड्स को। जितना अट्रैक्शन होगा उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो डेल्टा ओ फोर कोबोल्ट एच टू सिक्स टू प्लस। तो कोबोल्ट यहाँ पे क्या है? सीओ टू प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इस केस में क्या है कोबोल्ट इस कॉम्प्लेक्स में, ये थ्री प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो 9200 है, और यहाँ पे 20,000 के समथिंग है। तो इस तो CO3 प्लस के केस में क्या है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है कोबोल्ट की, तो इस केस में हायर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा होगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन बट द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट। अब हम पहले तो बात कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा डिफरेंट होगा, बट अगर हम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट कर दें बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कर दें तब क्या केस होगा? तो एक रिलेशन होता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जितने डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे डेल्टा उतने कम होगा, और जितने डी इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतने ही डेल्टा ज्यादा होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, कोबोल्ट H2O6+ और निकल H2O6+। तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेम है, बट कोबोल्ट है वो 3D7 है और जो निकल है वो 3D8 है। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स किस में ज्यादा है? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन 3D8 में ज्यादा है। इसमें क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या है? 8000 के अराउंड है। ठीक है, 3D7 वाले केस में क्या है? 9000 के अराउंड है। तो डेल्टा की वैल्यू किस में ज्यादा होगी? जिसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ओके, थर्ड फैक्टर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहता है? यह टाइप ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है नंबर ऑफ सेल, ये कौन से सेल में आ रहा है वो। सो हमारे पास तीन टाइप की सीरीज होती है, 3D 4D और 5D। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या कहता है कि जब हम 3D से 4D में और 4D से 5D जाते हैं तो डेल्टा ओ की मैग्नीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब देखो कोबोल्ट है वो 3D का है, रोडियम है वो 4D का है, और इरिडियम है वो 5D का है। तो डेल्टा ओ की एनर्जी जब हम नीचे आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है। देखिए 23,000 है, 34,000 हो रही है, 41,000 हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से डेल्टा ओ की एनर्जी, सॉरी डेल्टा ओ की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए फोर्थ फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड्स किस नेचर के हैं। सो द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG दैट इज नॉट फिक्स्ड एंड वी कांट प्रेडिक्ट दैट। सो द नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन। तो ऑक्सीजन और हैलोजन तो क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और कार्बन और नाइट्रोजन वाले क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, सो जो नेचर ऑफ लिगेंड है वो अफेक्ट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा को। सो कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड होंगे उन केसेस में डेल्टा की वैल्यू हाई हो जाएगी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केसेस में डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड्स विच आर
ऑक्सीजन एंड हेलोजन। तो देखो ये कार्बन मोनोक्साइड है, ये साइनाइड है, यहाँ पे ये फिनाइल है, मिथाइल है, नाइट्रो है, तो इन केसेस में क्या है कि डेल्टा की वैल्यू हाईएस्ट होगी, ठीक है। और जो हेलोजन है वो सबसे पीछे आते हैं, यानी आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो इनके केसेस में क्या होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। ऑक्सीजन वाले देखो, OH- है, इथेनॉल है, ऑक्सीलेट है, ऑक्साइड है, वाटर है, इनमें भी इनमें क्या होगी, हेलोजन से ज्यादा होगी। फिर आता है नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स, NH3 हो गया, पिरिडिन है, इथिलीन डायामीन है, हाइड्रोक्सिलामीन है, नाइट्रो है, तो ये क्या होंगे ऑक्सीजन वाले से और हेलोजन वाले से, इनकी नाइट्रोजन वाले की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस सीरीज को कहते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, जिस बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो हमें किस तरह से याद रखनी है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। तो हेलोजन से जब हम कार्बन की तरफ जाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए तो नंबर ऑफ लिगेंड्स भी तो अब अफेक्ट करेंगे कि टेट्राहेड्रल के केस में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने थे, 4, और ऑक्टेट्रल के केस में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उतनी ही स्प्लिटिंग अच्छी होगी, उतनी ही डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी। सो डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा ओ, क्यों, क्योंकि डेल्टा ओ में कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं, और डेल्टा टी में कितने हैं, 4 है। वैसे भी डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा होता है, हमें पता है। सो डेल्टा ओ की वैल्यू हमेशा ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे टर्म होती है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्स दी टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मैं इस इनको एक ऑर्बिटल में पेयरिंग करवा रहा हूं, तो जो एनर्जी लगेगी उसको कहते हैं हम पेयरिंग एनर्जी। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या कहेंगे, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्स टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनको जो फोर्स करेगी, जो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स की एक ऑर्बिटल में, उसको कहेंगे पेयरिंग एनर्जी। अगर एक से ज्यादा पेयर हो रहे हैं, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो गए, व्हेन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, पी बिकम्स मीन पेयरिंग एनर्जी। यानी अगर एक पेयर से ज्यादा पेयर हमें मिल रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगी, मीन पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी, जिसको हम डिनोट करते हैं एमपी से, ओके। अब देखिए, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी डेल्टा ओ में और पी में क्या रिलेशन होता है, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू हाई है पी से तो इट फेवर्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कैसे होते हैं। इफ डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी देन इट फेवर्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इफ डेल्टा ओ इज इक्वल टू पी देन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोथ इक्वली एग्जिस्ट एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। इन जनरल फोर फोर डी एंड 5d सीरीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन पी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन पी है तो ये क्या होगा कि 4d और 5d के केसेस में क्या होगा कि हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। देखिए क्या कह रहा है, इन जनरल 4d एंड 5d सीरीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। सो ये कह रहा है कि 4d और 5d में क्या होगा, जब डेल्टा ओ इज लार्जर देन पी तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी कि 4d और 5d में हमेशा ही हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन है, अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक D4 सिस्टम लिया है मैंने, अब हम देखते हैं कि हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में है क्या। सो D4 सिस्टम है, ठीक है, D4 सिस्टम है, D4 सिस्टम में अगर मैं डेल्टा ओ की वैल्यू कम कर दू पी से, पेयरिंग एनर्जी से, तो इस केस में क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो डेल्टा ओ क्या है, डेल्टा ओ इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Ag एंड T2g ऑर्बिटल्स। सो D4 सिस्टम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन जब पहले क्या होगा, ऑफ बोर प्रिंसिपल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और हुंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो क्या क्या होगा, सारे ऑर्बिटल एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा पहले। सो 1, 2, 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन हमारे पास में डेल्टा ओ इज लेस देन पी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू पी, तो ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन कैसे, कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, विच इज इजी ऑर्बिटल। तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस ऑर्बिटल में आ जाएगा, इजी ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कैसे बोल रहे हैं, जब हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे 2s+1 से, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है, इसलिए हम इसको हाई स्पिन में बोल रहे हैं। अब देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं वीक फील्ड लिगेंड।
यानी वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या होगी, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग की ऐसे नहीं हो रही क्योंकि पेयरिंग हो जाती तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता, नीचे इलेक्ट्रॉन आता, तो पेयरिंग नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन फेवर करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन तो आ गए, अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है या तो वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाए तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर वो नीचे ही आ जाए पेयरिंग हो जाए तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किस सिचुएशन में होगा, जब डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगी, यानी कि ये जो गैप है ये ज्यादा होगा डेल्टा ओ, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर तो जा नहीं पाएगा इसलिए वो नीचे ही रह जाएगा, इस केस में क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन फॉर्म करते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैंने बताया था आपको जनरल में कार्बन और जो नाइट्रोजन से डोनर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और वीक फील्ड होते हैं वो ऑक्सीजन और हेलोजन से डोनेटिंग करते हैं, ठीक है। अब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए नोट, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, दीज आर इनवेरिएबली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ये कह रहा है डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। अब देखते हैं कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमने डी फोर सिस्टम ले लिया, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग करवा दी, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग क्या होता है कि टी टी ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाती है और ई ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं, इनकी स्टेबलाइज होते हैं। सो ओबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 1 2, अब ये कह रहा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, डेल्टा टी यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी कम है तो डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो 1 2 और 3 4 तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो क्रिस्टल जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नो मैटर कि जो लिगेंड है वो वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा टी, इट इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, दैट इज वाई दीज आर इनवेरिएबली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और हमें पता है डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब एक टाइम आते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो सी एफ एस ई इट कैन बी एक्सप्लेन बाई टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ डी वन सिस्टम। तो अभी हम ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने एग्जाम्पल ले लिया डी वन सिस्टम का, यानी एक इलेक्ट्रॉन आ गया डी ऑर्बिटल्स में, तो ये हो गया डी वन सिस्टम। तो ये कहता है द कॉम्प्लेक्स आयन विद वन इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ द टी टू जी ऑर्बिटल्स हैज एन एनर्जी ऑफ -0.4 डेल्टा ओ रिलेटिव टू द बेरी सेंटर। देखिए समझते हैं इसको, तो सबसे पहले मैंने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की इन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो नीचे आ गए टी टू जी ऑर्बिटल्स और ऊपर चले गए ई जी ऑर्बिटल्स। तो टी टू जी ऑर्बिटल्स क्या है, ये स्टेबलाइज हुए हैं इसलिए इनकी एनर्जी लो हो गई, और जो ई जी ऑर्बिटल्स है वो डिस्टेबलाइज हुए हैं इसलिए इनकी एनर्जी हाई हो गई, और जो डिफरेंस है बिटवीन ई जी एंड टी टू जी ऑर्बिटल्स में वो डेल्टा ओ है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दोनों डिफरेंट टर्म है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अलग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो अभी हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया टी टू जी ऑर्बिटल में, क्योंकि पहले ओबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं। तो इस एक जो इलेक्ट्रॉन आया है इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी है -0.4 डेल्टा ओ, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबलाइज हुआ है, कितना स्टेबलाइज हुआ है, -0.4 डेल्टा ओ स्टेबलाइज हुआ है रिलेटिव टू द बेरी सेंटर। अब देखिए, दिस इंडिकेट्स दैट इन ए कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ D1 कॉन्फिगरेशन 0.4 डेल्टा ओ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो मैंने बताया था आपको जब टी टू जी ऑर्बिटल्स स्टेबलाइज होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, -0.4 डेल्टा ओ। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0-0.4 से तो ये -0.4 डेल्टा ओ एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी रिलीज करके स्टेबलाइज होगा, ये क्या होगा, स्टेबलाइज्ड। सो दिस रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड द सीएफएसई ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। सो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि रिलीज हो जाती है और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कॉम्प्लेक्स को,
और ये हमेशा ही या तो नेगेटिव होगी या जीरो होगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी क्रिस्टल सीएफएसी, इधर नेगेटिव और जीरो, ठीक है, क्योंकि ये रिलीज एनर्जी है। रिलीज एनर्जी कैसे है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज बनाती है। अब देखिए ऑक्टेट्रल कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं किस तरह से सीएफएसी कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब देखो सीएफएसी इज इक्वल टू -0.4 डेल्टा ओ टी टू जी के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टी टू जी में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, ये जो है रिलेटिव टू द बेरी सेंटर, इंटू ईजी के इलेक्ट्रॉन, प्लस एमपी क्या है यहाँ पे, मीन पेयरिंग एनर्जी। अब देखो मीन पेयरिंग एनर्जी क्या समझते हैं, पेयरिंग एनर्जी तो हमने देख लिया था, तो मीन पेयरिंग एनर्जी है यहाँ पे, एम क्या डिनोट कर रहा है, एम डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज्ड बाय द लिगेंड। ये जब हम एग्जांपल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा मीन पेयरिंग एनर्जी क्या है, ठीक है। अब देखिए -0.4 डेल्टा ओ टी टू जी के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 डेल्टा ओ ईजी के इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डेल्टा ओ कॉमन आ रहा है तो हम बाहर निकाल लेते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर आ गया डेल्टा ओ, तो फॉर्मूला क्या हो गया सीएफएसी का, -0.4 इंटू टी टू जी के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू ईजी के इलेक्ट्रॉन स्क्वायर ब्रैकेट डेल्टा ओ प्लस मीन पेयरिंग एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला है, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे स्प्लिटिंग में, हमने ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, अब हमें पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, वो हमेशा ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, दीज आर इनवेरिएबली हाई स्पिन एंड नो पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं तो पेयरिंग तो होगी नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए इस केस में क्या होगा कि डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, देयरफॉर नो पेयरिंग एनर्जी इज इंक्लूडेड। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था कि लो स्पिन भी फॉर्म करते हैं और हाई स्पिन भी फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड कर रहे थे, जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो पेयरिंग एनर्जी हम इंक्लूड कर पाएंगे, लेकिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में विच इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नो पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन अकर्स, हमें पता है, देयरफॉर नो पेयरिंग एनर्जी इज इंक्लूडेड। अब देखो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है कि ई ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं, dx²-y² एंड dz², वेरस टी टू जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिस्टेबलाइज होते हैं, dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल, और ये हो गया डेल्टा टी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये कितने स्टेबलाइज हुए हैं, ये हुए -0.6 डेल्टा टी, और ये डिस्टेबलाइज हुए हैं +0.4 डेल्टा टी। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं सीएफएसी का तो किस तरह से लिखेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये क्या होगा -0.6 डेल्टा टी टी टू के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 डेल्टा टी ई के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेयरिंग एनर्जी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेयरिंग ही नहीं होगी, पेयरिंग कैसे नहीं होगी क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमेशा फॉर्म होते हैं टेट्राहेड्रल केस में, तो इसलिए पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा टी कॉमन आ सकता है बाहर, तो क्या होगा -0.6 टी टू इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 ई के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट और डेल्टा टी बाहर आ गया, ठीक है। अभी हमने देखा था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हो रही थी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, दोनों में इनवर्ट थी यानी दोनों की उल्टी थी। सिमिलरली जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है वो भी इनवर्ट है, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस है तो 0.6 यहाँ आ जाएगा और 0.4 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ई जी के इलेक्ट्रॉन ई के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो देखिए -0.6, सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये ई के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन क्या है स्टेबलाइज हो रहे हैं यहाँ, क्योंकि -0.6 डेल्टा टी, क्योंकि ई के इलेक्ट्रॉन आएंगे ना ई ऑर्बिटल के, तो ये ई के इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस 0.4 डेल्टा टी टी टू के इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे ई के इलेक्ट्रॉन और टी टू के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो -0.6 ई के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 टी टू के इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया होगा हम सी एफ एस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं हमें समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो मैंने एग्जांपल लिया है D5 सिस्टम का, D5 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल केसेस में हमने लिया है, तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग करवाएंगे पहले, तो यानी टी टू जी इलेक्ट्रॉन टी टू जी ऑर्बिटल्स और ई जी ऑर्बिटल्स। सो D5 सिस्टम इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट,
सो डी फाइव सिस्टम एक वन टू थ्री फोर फाइव। अगर हम वीक फील्ड लिगेंड बात कर रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, हमेशा ही हाई स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, हमें पता है। सो फोन शुरू के अकॉर्डिंग क्या होगा, वन टू थ्री, तीन इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हाई स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, सी एफ एसी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। ऑक्टेटल के केस में माइनस 0.4 टी टू जी के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 पी जी के इलेक्ट्रॉन स्क्वायर ब्रैकेट डेल्टा ओ प्लस मीन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब मीन पेयरिंग एनर्जी हाई स्पिन के केस में नहीं है क्योंकि पेयरिंग ही नहीं हो रही है, तो मीन पेयरिंग एनर्जी को हम डिसरिगार्ड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है टी टू जी ऑर्बिटल में, वन टू थ्री, तो तीन इलेक्ट्रॉन है। सो माइनस 0.4 इंटू थ्री, तो ये आ गया माइनस 0.4 इंटू थ्री प्लस 0.6। एजी में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आगे और डेल्टा ओ। अब देखो हमने यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं किया है, क्यों, क्योंकि पेयरिंग ही नहीं हो रही है। पेयरिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं किया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस 1.2 प्लस 1.2 सॉरी ये हो जाएगा डेल्टा ओ। तो ये माइनस 1.2 से प्लस 1.2 कैंसिल आउट हो गया, तो सी एफ एसी क्या हो गई, जीरो हो गई। किस केस में, डी फाइव हाई स्पिन के केस में। ठीक है, अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, टी टू जी ऑर्बिटल्स में आ जाएगा। अब देखो वन टू थ्री, तीन इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अब जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो यही रहेगा, तो पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो पेयरिंग एनर्जी है वो किस तरह से इंक्लूड करेंगे, तो पहले तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं सी एफ एस सी का, माइनस 0.4 टी टू जी के इलेक्ट्रॉन, टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये है वन टू थ्री फोर फाइव इलेक्ट्रॉन है, और ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कोई भी नहीं है तो जीरो लिख देंगे। सो माइनस 0.4 इंटू फाइव प्लस 0.6 इंटू जीरो डेल्टा ओ प्लस, अब देखो ये टू पी कैसे आया है, तो हमें यहाँ देखना है यहाँ पे कितने पेयर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के, यहाँ पे एक भी पेयरिंग नहीं है तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे स्टेबलाइज होंगे तो यहाँ पे कितने पेयरिंग होगी, एक ये पेयरिंग होगी, एक ये पेयरिंग होगी, यहाँ पे दो पेयरिंग हो गई है। तो लिगेंड की वजह से जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी वजह से कितनी पेयरिंग होगी, यहाँ पे दो पेयरिंग होगी, तो यहाँ पे टू पी लिख देंगे। तो यहाँ पे जो एम है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये नंबर ऑफ पेयर्स कॉज्ड बाय लिगेंड, तो यहाँ पे कितने पेयरिंग हुई है ड्यू टू लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने पेयरिंग करवा दी, तो यहाँ पे दो पेयरिंग हुई है। ठीक है, तो टू पी लिख दिया, अगर तीन पेयरिंग होती तो तीन पी लिख देते, और अगर सिर्फ वन पेयरिंग हो रही थी तो वन पी लिख देते। अभी देखो इसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो जीरो हो गया, माइनस 0.4 इंटू फाइव कितना हो गया, माइनस 2.0 डेल्टा ओ प्लस 2p है तो 2p। अब हमारे पास अगर वैल्यू गिवन होगी डेल्टा ओ की और p की, तो हम इसमें पुट कर देंगे और हमारी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आईआईटी एग्जाम 16 में क्या क्वेश्चन आया, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सीएफएसी इन MnS2+6 2+। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, क्या है, MnH2O6 2+। तो सबसे पहले तो मैं मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ, H2 क्या न्यूट्रल लिगेंड है, तो X=2 हो गया 2+, यानी कि Mn 2+। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, 3D5, क्योंकि 4S2 दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब D5 सिस्टम है, तो सबसे पहले तो मैं D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, अब देखो 6 लिगेंड है तो ये ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ऑक्टेटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, तीन ऑर्बिटल नीचे ये आ गए, ये तो हो गए T2G और ये हो गए EG, तो ये पांच इलेक्ट्रॉन आ गए D5 सिस्टम है, क्योंकि 3 4 5 ये हो गया D5 सिस्टम। ठीक है, अब देखिए तो पहले तो उनके अकॉर्डिंग 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए H2 कैसा लिगेंड, H2 एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, पेयरिंग नहीं करवाते ना वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। सो 1 2 3 4 और 5, तो पांच इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें सी एफ एस सी कैलकुलेट करनी है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग एनर्जी तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, क्योंकि पेयरिंग हो ही नहीं रही है,
तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, माइनस 0.4, टी टू में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6, ईजे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, स्क्वायर ब्रैकेट डेल्टा ओ, ठीक है। सो माइनस 0.4 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस 1.2, प्लस 0.6 इंटू 2, 1.2, यहाँ गया डेल्टा ओ। सो माइनस 1.2 से प्लस 1.2 कैंसिल आउट हो गया और सी एफ एसी कितनी आ गई, 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सॉरी 0 डेल्टा ओ, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो देखो हम बी और सी को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड है, पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड है तो ये आएगी नहीं क्योंकि जो वीक फील्ड लेकिन वो पेयरिंग करवाता नहीं है, वो हमेशा स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ए और डी में बचा है। तो डी फाइव केस में क्या हो रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो रहे हैं टू सम एक्सटेंट, उतने ही इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज हो रहे हैं टू दैट एक्सटेंट, इसलिए इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो 0 है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसको नहीं मिल रही है, इसलिए सी एफ ए सी क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखिए आप लोग डी 0 के केस में, डी 5 हाई स्पिन के केस में और डी 10 के केस में हमेशा सी एफ ए सी क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। ये हाई स्पिन के केस में हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखें। सो आई आई टी जैम 2019 में क्या क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, हमारे पास क्वेश्चन है द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल Mn3+ Fe3+ CO3+ कॉम्प्लेक्सेस आर 4.95, 6.06, 0.00 बोर मैग्नेटॉन रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn3+ Fe3+ CO3+ मेटल आयंस इन दीज कॉम्प्लेक्सेस रेस्पेक्टिवली इज। सो Mn3+ हमें दिया हुआ है, Fe3+ है और CO3+ है, इनके हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स गिवन है। इसका कितना है 4.95, ये गिवन है 6.06, ये गिवन है 0.001 मैग्नेटॉन। तो मैंने आपको बताया था जब वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है 1.7, जब टू इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो तो आता है 2.8, 3 हो तो 3.9, 4 हो तो 4.9 और 5 है तो 5.9, ये कुछ 6 के अराउंड भी जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अब हमें कोई लिगेंड तो दिया नहीं हुआ है, ना ही कॉम्प्लेक्स में ये बताया गया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। तो हम सिंपल पहले डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करा रहे थे क्योंकि T2g और eg की बात हो रही है। तो ऑक्टाहेड्रल केस में हमने डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कराई, ये हो गए T2g ऑर्बिटल्स और ये हो गए eg ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब Mn3+ दिया हुआ है, Mn3+ कैसे सिस्टम हो गया, ये हो गया कुछ D4 सिस्टम हो गया, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो S से निकल जाएंगे 4s से और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा D से, तो ये D4 सिस्टम हो गया। अब D4 सिस्टम में देखो पहले तो हमें पेयरिंग मोनोसल्फाइड के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, D3 आ गया। अब देखो अगर मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करूंगा यहाँ पे, तो सपोज मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुए, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना चाहिए 2.8, जो कि आ नहीं रहा। कितना आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है 4.95 कब आएगा, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को हाई स्पिन कर देंगे यहाँ पे। तो यह क्या हो गया 1, 2, 3 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है कुछ 4.9 के अराउंड। तो T2g और eg की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई Mn3+ के केस में, ये हो गई T2g 3 और eg 1, ठीक है, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तभी होंगे जब 4.95 तब मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ओके। अब देखिए T2g 3 eg 1 किस केसेस में है, तो सी में दिया हुआ है, बी में है और डी में है। ए में क्या है, T2g 4 है, तो ए तो एलिमिनेट हो गया, ए तो कभी नहीं हो सकता। अब दूसरा केस है Fe3+, Fe3+ का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 6.06, 6.06 मैग्नेटिक मोमेंट कब आता है जब 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, ठीक है। Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, ये हो गई 2 इलेक्ट्रॉन एस में से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन उसमें, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब देखो 1, 2, 3 हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड चाहिए, सो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल गई। तो इस केस में क्या हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गई T2g 3 और eg 2, ठीक है। T2g 3 और eg 2 किस किस में है, बी में, सॉरी सी में है और डी में है। बी में क्या है, T2g 5 दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब है कोबाल्ट 3+,
कोबाल्ट 3 प्लस में 0.00 मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, यानी कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो CO3 प्लस की कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, कुछ ये हो जाएगी D6। तब D6 कैसे आ सकता है हमारे पास में? D6 तब आ सकता है जब हम सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा दें। अब देखो पेयरिंग किस तरह से करवा सकते हैं हम, वन टू थ्री तीन इलेक्ट्रॉन आ गई। अब मुझे पेयर D6 सारे छह के छह इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, पेयर चाहिए तो कैसे होगा, 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, छह के छह इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो इस केस में क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ये आ गई T2G6Eg। अब ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन, जीरो। तो देखो तीन ऑप्शन कहाँ पे है, डी में तो T2G4Eg2 दिया हुआ था तो गलत हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन में आ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। तो ये IIT 2019 में आया क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी था, ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। सो इन एज अंकल इज इंडिया नंबर वन ऑनलाइन कोचिंग फॉर IIT JAM CSIR नेट एंड NTA UGC नेट, ठीक है। तो आप इनके ऑनलाइन कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यही एंड कर रहा हूँ, थैंक यू।